वीडियो को शुरू करने से पहले बस एक छोटी सी बात मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि चैनल के ऊपर मैंने अपनी खुद की एक न्यू मांगा स्टार्ट कर दी है, तो आप सभी जाकर उस वीडियो को और उस मांगा को अपना पूरा प्यार जरूर से दिखाना। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप सभी ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, सो न्यू स्टोरी मैं चैनल के ऊपर स्टार्ट कर चुका हूँ, तो उससे भी जाके जरूर से देखना। और उस न्यू स्टोरी पे मुझे आप सभी का बहुत सपोर्ट चाहिए होगा। तो हम सभी देखते कि अकुमो गोकू और वेजिटा को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर यामोशी और कोड़ा आ जाते हैं, जिसे देख के अकुमो काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी अकुमो गोकू को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी कोड़ा अकुमो के ऊपर अपना एक हमला करता है, जिससे अकुमो के हाथ से गोकू छूट जाता है। और अकुमो ये सभी देख के कहता है, क्या आखिर ये तुम क्या कर रहे हो कोड़ा? जिसके ऊपर कोड़ा कहता है, लॉर्ड अकुमो, क्या आप हमारे मकसद के बारे में भूल चुके हो? और आप जो कुछ भी ये सब कर रहे हो, वो हमारे मकसद के लिए काफी बड़ा खतरा साबित हो सकता है। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, तो क्या अब तुम मुझे समझाओगे कोड़ा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? और आखिर ये सब तुम कर कैसे सकते हो? क्या तुम मेरे खिलाफ जाने का सोच रहे हो? जिसके ऊपर कोड़ा कहता है, लॉर्ड अकुमो, आपको भी मालूम है कि आप जो कुछ भी इस समय पे कर रहे हो, वो आगे चलकर हमारे मकसद के लिए सही नहीं होने वाला। और जब वो लोग यहाँ पर आएंगे, तो ये सब हमारे लिए काफी बड़ी मुसीबत बन सकता है। जिसके ऊपर अकुमो कहता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कोड़ा कि तुम ये सब मुझसे कहोगे, जबकि तुम्हें सब कुछ मालूम ही है। तो क्या तुम मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? जिसके ऊपर कोड़ा कहता है, लॉर्ड अकुमो, अगर आप ये सब करोगे तो मजबूरन मुझे ये सब रोकना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद अकुमो को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो तभी कोड़ा के ऊपर अपना एक हमला करता है, जिससे कोड़ा बचकर अकुमो के ऊपर ही अपना एक हमला कर देता है, जिसको अकुमो बड़ी आसानी से डॉच कर लेता है। और ये सभी देख के सारे ही लेजेंडरी सेन काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और जेन को कहता है, क्या आखिर कोड़ा ये क्या कर रहा है? जिसके ऊपर जोमान भी कहता है, कोड़ा आखिर ये सब तुम क्या कर रहे हो? तुम ये सब नहीं कर सकते। जिसके ऊपर कोड़ा कहता है, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम सभी को सब कुछ समझा सकूं, तो जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, वो हम सभी के भलाई के लिए ही कर रहा हूं। और ये कहने के बाद कोड़ा अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है, और ये सभी देख के वहां पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और वेजिटा कहता है, क्या ये तो अकुमो का नंबर वन लेजेंडरी सैयन है? तो आखिर ये अकुमो के खिलाफ कैसे जा सकता है? जो देख के गोकू भी काफी ज्यादा हैरान होता है, और वो कहता है, आखिर ये सब क्या चल रहा है? और तभी हम सभी देखते कोड़ा अपने काफी बड़ा हमला सीधा अकुमो के ऊपर करता है, जिससे अकुमो बचकर कोड़ा को एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे कोड़ा काफी दूर जा गिरता है। और आहारो कहता है, आखिर ये कोड़ा करना क्या चाहता है? वो लॉर्ड अकुमो के खिलाफ आखिर कैसे जा सकता है? जिसके ऊपर जोमान कहता है, कोड़ा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम बेवजह ही अपनी जान लॉर्ड अकुमो के हाथों गवा दोगे। जिसके ऊपर कोड़ा कुछ भी नहीं बोलता, और वो खड़ा होकर अपनी काफी ज्यादा पावर अप करता है। और तभी कोड़ा एक काफी जोरदार पंच सीधा अकुमो को लगाता है, जिससे अकुमो लड़खड़ा के कुछ कदम पीछे हट जाता है। और अकुमो गुस्से में कहता है, मैंने कभी सपने भी नहीं सोचा था कोड़ा कि तुम मेरे खिलाफ जा सकते हो, तो अब तुम देखोगे कि तुम इतनी बड़ी गलती करने जा रहे हो। भले ही तुम सभी लेजेंडरी सैयन में नंबर वन क्यों ना हो, लेकिन तुम फादर ऑफ सैयन का सामना नहीं कर सकते। और ये कहने के बाद अकुमो अपने लगातार काफी सारे हमले कोड़ा के ऊपर कर देता है, लेकिन कोड़ा वहीं पर खड़ा रहता है। और तभी वो सारे हमले कोड़ा के आर पार हो जाते हैं, लेकिन कोड़ा को उन सभी हमलों से कुछ भी नहीं होता। और ये सभी देख के जेन को कहता है, क्या भला आखिर ये क्या हुआ? क्या कोड़ा ने उन सभी अटैक को डॉज कर लिया? जिसके ऊपर जोमान कहता है, क्या आखिर ये तुम क्या कह रहे हो जेन को? भूलो मत कि कोड़ा नंबर वन लेजेंडरी सैयन है, तो इसके पास बेहिसाब ताकतें हैं। और हम सभी देखते कि कोड़ा और अकुमो एक दूसरे के ऊपर अपने काफी सारे हमले करने लगते हैं, लेकिन अकुमो को धीरे धीरे करके काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो कोड़ा के ऊपर अपने काफी सारे अटैक की लगातार झड़ी लगा देता है। और कोड़ा भी उन सभी अटैक से बचकर एक काफी बड़ा की ब्लास्ट सीधा अकुमो की तरफ करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और ये सभी देख के गोकू कहता है, क्या नंबर वन लेजेंडरी सैयन सच में
इसके पास काफी ज्यादा शक्तियां हैं, जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, क्या क्या इसने कर दिखाया, क्या ये अकुमो को पीछे धकेलने पे कामयाब रहा। और तभी अकुमो धुएं के बीच में से बाहर आता है और वो कहता है, तुम भले ही कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो कोड़ा, तुम भी जानते हो कि मैं एक बार में ही अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल नहीं करता। जिसके ऊपर कोड़ा कहता है, मैं जानता हूँ लॉर्ड अकुमो, लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हो उसे रोकना भी मेरा ही काम है। और ये कहने के बाद कोड़ा अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जो देख के क्योगा भी कहता है, क्या भला कोड़ा ये सब क्या कर रहा है, वो आखिर ये क्यों कर रहा है। जिसके ऊपर तभी यामोशी कहता है, क्योगा जो कुछ भी कोड़ा कर रहा है उसे करने दो, और कोई भी कोड़ा के बीच में नहीं आएगा। और ये कहने के बाद कोड़ा अपने एक के बाद एक काफी सारे हमले लगातार अकुमो के ऊपर करता रहता है, लेकिन अकुमो उन सभी हमलों से बचता रहता है। और अकुमो कहता है, कोड़ा मेरे नंबर वन लेजेंडरी सैयन, तुम्हें भी पता है कि तुम मेरा सामना नहीं कर सकते, क्योंकि भले ही तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो, लेकिन मेरी असली ताकत आज तक तुमने भी नहीं देखी। और ये कहने के बाद अकुमो काफी जोर से चलाने लगता है, और वो कोड़ा के ऊपर तभी अपने काफी जोरदार हमला करता है, जिससे कोड़ा बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन कोड़ा चोट खाके काफी दूर गिरता है। और अकुमो कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर मेरे खिलाफ कोई भी जाएगा तो वो नहीं बचेगा। मुझे अफसोस है कोड़ा कि तुमने ये गलती करी, और अब मेरा एक और लेजेंडरी सैयन कम होने जा रहा है। और ये कहने के बाद अकुमो अपने काफी बड़ा हमला सीधा कोड़ा की तरफ करने जाता है, लेकिन तभी हम सभी देखते बीच में यामोशी आ जाता है और वो उस अटैक को हटा देता है। लेकिन अकुमो इतने ज्यादा गुस्से में होता है कि वो यामोशी को देखते उस पे काफी जोरदार पंच लगाता है, जिससे यामोशी भी काफी दूर जाके गिरता है। और यामोशी खड़े होते हुए कहता है, क्या बात है अकुमो, ये शक्ति काफी कमाल की है, ये पंच मुझे काफी जोरदार लगा। और अकुमो कहता है, तुम भी मेरा सामना नहीं कर सकते यामोशी, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये तुमने आज तक नहीं देखा होगा और तुम अब हैरान होने वाले हो अकुमो। और ये कहने के बाद यामोशी अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाने लगता है, और तभी यामोशी अपनी सुपर सिन अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म पे जा पहुंचता है। और ये देख के अकुमो कहता है, तो आखिर तुमने इसे भी हासिल कर ही लिया। जिसके ऊपर यामोशी की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वो ताकतें जिनोसामा तक भी पहुंच जाती है। और जिनोसामा कहते हैं, क्या आखिर ये क्या हो रहा है यामोशी, क्या तुम उस ताकत का इस्तेमाल करने वाले हो, और अगर अकुमो और यामोशी की इस समय पे बैटल होती है तो ये दोनों ही इस मल्टीवर्स को तबाह कर सकते हैं, और इसी कारण की वजह से तो मैं अभी तक यहाँ पर बैठा था। जिसके बाद यामोशी कहता है, अकुमो तो अब समय आ चुका है कि हम दोनों में से बस एक ही जिंदा होगा, लेकिन हम ये यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि मुझे इस मल्टीवर्स की परवाह है। और ये कहने के बाद यामोशी एक ब्लैक होल अपने सामने बनाता है, जिसके ऊपर यामोशी कहता है, हम यहाँ पर नहीं लड़ सकते तो चलो हमें यहाँ से जाना होगा। और ये कहने के बाद अकुमो और यामोशी उस डायमेंशन के अंदर चले जाते हैं। और अकुमो कहता है, तो अब जैसा कि तुमने कहा था, हमें यहाँ पर रोकने वाला कोई भी नहीं होगा, तो मैं तुम्हें बता दूं यामोशी, हर बार तुम हमेशा से ही मेरे रास्ते का कीड़ा रहे हो, और अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जिसके ऊपर यामोशी कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो अकुमो, क्योंकि तुमने मेरी इस फॉर्म का अभी तक सामना नहीं किया है, और मैं भी तुम्हें बता दूं कि जो कुछ भी आज तक तुमने किया है तुम उन सभी के लिए आज यहाँ पर भुगतने वाले हो। और ये कहने के बाद अकुमो और यामोशी एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं, जो देखने के बाद गोकू कहता है, ना जाने अब क्या होने वाला है, अकुमो और यामोशी, और यामोशी की वो नई फॉर्म सच में काफी ज्यादा शक्तिशाली लग रही थी। जिसके ऊपर वेजिटा भी कहता है, हाँ के करोट, लेकिन अकुमो भी कम नहीं है, उसने सभी को हरा दिया, क्या उसे यामोशी रोक भी सकता है। जिसके बाद हम सभी को फाइनली उस डायमेंशन का सीन दिखाया जाता है, जो कि आखिरकार खुल चुका होता है, और तभी उसमें से एक शख्स बाहर निकल कर आता है, जो कि कहता है, तो आखिरकार इतने समय के बाद और इतनी कोशिशों के बाद हम आजाद हो ही गए, तो अब इस मल्टीवर्स को
असली मायने में पता चलेगा कि तबाही क्या होती है। सो जाने से पहले इस बात को बिल्कुल भी मत भूलना कि न्यू स्टोरी में चैनल के ऊपर स्टार्ट कर चुका हूं, उसकी लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो उस स्टोरी को भी अपना पूरा सपोर्ट जरूर से दिखाना।